गाइज, ये जो पोको एक्स थ्री प्रो है ये सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए का आता है। इसके अंदर हमको स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर देखने मिलता है, बहुत ज्यादा ताकतवर प्रोसेसर है ये प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। मतलब 800 सीरीज का प्रोसेसर 19,000 में बहुत बड़ी बात है भाई। और वही सेम चीज अगर मैं बोलूँ ये फोन के लिए जो है OnePlus 9R, तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई ये फोन 40,000 रुपए में, लेकिन इसके अंदर 870 प्रोसेसर है। हम आज साइड बाय साइड कंपेयर करने वाले हैं, ऐप्स ओपन करेंगे, गेम्स ओपन करेंगे, वीडियो रेंडर करेंगे और रैम मैनेजमेंट देखेंगे। उसके बाद भाई हम ये भी देखेंगे कि भाई सीपीयू स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करके कि भाई मतलब किस में थ्रॉटलिंग वगैरह का इशू होता है या नहीं, सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं इस वीडियो में। सो ही वो तुम गाइस वन में से ही रहने देते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन पोको एक्स थ्री प्रो वर्सेज OnePlus 9R। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, ये है पोको एक्स थ्री प्रो जिसके अंदर फ्लैगशिप किलर स्पेसिफिकेशंस आती है, लेकिन 18-19,000 रुपए में। और ये है एक्चुअल फ्लैगशिप काइंड ऑफ, मैं बोलूंगा जो है 40,000 रुपए का, भाई बहुत ज्यादा पैसे का डिफरेंस है। लेकिन भाई इसके अंदर स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर है, इसके अंदर 870 प्रोसेसर है, दोनों में 800 सीरीज का प्रोसेसर है। लेट्स सी भाई कितना क्लोज, कितना टक्कर ये पोको एक्स थ्री प्रो इस OnePlus 9R को दे सकता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बेंचमार्क दिखा देता हूं। तो भाई N22 में जैसे आप लोग देख रहे हो ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, 5,18,000, 6,00,000, बहुत क्लोज पहुंच गया है। बट Geekbench की बात करो तो वियर्डली Geekbench का स्कोर बहुत कम है पोको एक्स थ्री प्रो में, जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो। और उसके बाद जो इंटरनल स्टोरेज स्पीड है भाई, वहां पर इसका स्कोर ज्यादा है। पोको एक्स थ्री प्रो का इंटरनल स्टोरेज स्पीड OnePlus 9R के स्टोरेज स्पीड से भी ज्यादा है। भाई दोनों में UFS 3.1 का स्टोरेज है, बट फिर भी पता नहीं क्यों। अब भाई मेरे को जानने का था स्पीड में, मतलब जो वाईफाई के स्पीड होते हैं, तो मैंने सेम वाईफाई से कनेक्ट करके दोनों में स्पीड टेस्ट किया 4 बार, तो ये स्पीड टेस्ट का रिजल्ट है। तो उसमें ज्यादा मेरे को वेरिएशन देखने को नहीं मिला, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। बाकी भाई जो स्टेबिलिटी है यहाँ पर, बहुत भयंकर तरीके से पोको एक्स थ्री पिट गया। मैंने जो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट है उसको लगभग 15 मिनट तक के दोनों में चलाया, और भाई इसका आप लोग जैसे देख रहे हो कितना तगड़ा परफॉर्मेंस है। 2,22,000 का एवरेज स्कोर है और 89% पे भाई, बहुत तगड़ा, बहुत स्टेबल प्रोसेसर है 870, वेर 860 जो है या फिर ऑप्टिमाइज नहीं है इसके लिए, इतना बेकार परफॉर्म कर रहा भाई। जो एवरेज स्कोर है वो 1,35,000 है और 60% पे आया भाई, कितना ज़्यादा थ्रॉटल कर रहा है जो प्रोसेसर है। आप लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हो पूरी लाइन एकदम लाल लाल होते जा रही है बार बार, तो भाई थ्रॉटलिंग का इशू है ये तो पक्की बात है। बाकी जो नॉर्मल ऐसा ये जो एप्लीकेशन ओपन करना हो गया उसमें कैसा चलता है वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम से। 3, 2, 1, सेम स्पीड पे खुल रहा भाई, सेम स्पीड पे खुल रहा, विच इज इनसेन। फेसबुक ये इसके अंदर पहले खुल गया OnePlus में, ऑडिबल OnePlus में पहले खुला, यूट्यूब भी OnePlus के अंदर पहले खुला, गूगल क्रोम ऑफकोर्स OnePlus में पहले खुला। एप्पल की वेबसाइट लोड करते हैं तो ये भी OnePlus में पहले खुली, बहुत स्लाइटली डिफरेंस था, मतलब एकदम थोड़ा सा। आईफोन 12 का बाय पेज ओपन करते हैं। 3, 2, 1, ये जो ऊपर लाइन है देखो ये खुल गया, दोनों में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, ये भी खुल गया, दोनों में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है। लेकिन जो 120 हर्ट्ज ये OnePlus का है भाई, वो अलग ही लेवल का है, प्लस एमोलेड है, तो भाई इसका डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, बहुत ही स्मूथ है। इसका भी स्मूथ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर IPS और एमोलेड में फ़र्क होता है भाई। बाकी Jio 7 इसके अंदर पहले खुला, OnePlus के अंदर प्राइम वीडियो OnePlus के अंदर पहले खुला, कैलकुलेटर भी OnePlus के अंदर थोड़ा सा पहले खुला, ओला भी पहले खुला, स्लाइट डिफरेंस था, Uber भी पहले खुला स्लाइटली, Amazon शॉपिंग एप्लीकेशन वो भी इसके अंदर ही पहले खुला जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। और उसके बाद Flipkart भी इसके अंदर ही पहले खुला, लेकिन बहुत कम डिफरेंस है, लाइक मैं ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोलूँगा। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खोलते कहिए, इसके अंदर ही पहले खुल गया कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी, और अभी भी लोड हो रहा है ये, एंड उसको मैं बंद कर देता हूँ, लॉग इन कर देगा एंड अब जाके लोड हुआ। तो भाई ये बहुत ज़्यादा फास्ट है लोड उड करने में। सबवे सफर्स, इसमें पहले खुल गया, OnePlus में पहले ही खुला भाई। काइन मास्टर खोलते हैं हम, एक वीडियो रेंडर करके देखेंगे। दोनों में सेम स्पीड पे एप्लीकेशन ओपन हुआ बाय द वे। गाइस दोनों में मैंने सेम फुटेज को इंपोर्ट किया है, DSLR से खींची हुई 1 मिनट की फुटेज है, उसको मैं 0.5x पे स्लो करता हूँ और हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे
1080p 30fps 8.5 mbps का bitrate है 133 MB की final file बनेगी. Let's see भाई. 3, 2, 1 start. जैसे आप लोग देख रहे हो ऊपर जो है वो 870 है, नीचे 860 है, तो भाई आपको इधर से अंदाजा लग जाएगा. भाई साहब दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. लाइक एक सेकंड का खाली डिफरेंस रहा, 37 सेकंड्स में वन प्लस 9R ने फिनिश किया, इसने 38 सेकंड्स लिया. दैट इज इनक्रेडिबल. लाइक लिटरली भाई, मतलब पैसे में इतना ज्यादा डिफरेंस है और वीडियो रेंडरिंग में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला. तो आई रियली लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फोन. लेकिन स्टेबल नहीं रहता, वो शॉर्ट बर्स्ट जो छोटा सा टाइम था ना उसमें परफॉर्मेंस बहुत बढ़ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबल नहीं रहता. जैसे मैंने सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में आप लोग को दिखाया. अभी हम लोग रैम मैनेजमेंट देखते भाई. जो पोको एक्स 3 प्रो है इसके अंदर हमको सिर्फ 6GB रैम देखने को मिलता है जैसे आप लोग देख रहे हो, और ये जो वनप्लस 9R है इसके अंदर हमको 8GB रैम देखने को मिलता है. विल सी कैसा रैम मैनेजमेंट है. सबवे सफर्स दोनों में है, कॉल ऑफ ड्यूटी भी दोनों में होना चाहिए, ऑफ कोर्स है, फ्लिपकार्ट भी है दोनों में, अमेजोन भी है दोनों में, ऊबर भी. ऊबर नहीं है इसके अंदर, ऊबर रीलोड किया भाई, ये तो गलत हो गया यार. ओला भी रीलोड किया भाई, तो इसका रैम मैनेजमेंट वाहियात है. कैलकुलेटर भी रीलोड हुआ इसके अंदर, प्राइम वीडियो भी रीलोड हुआ ऑलमोस्ट, जियो सावन भी रीलोड हुआ जैसे आप लोग देख रहे हो, क्रोम भी रीलोड हुआ, यूट्यूब भी नहीं है भाई इसके रैम में, ऑडिबल भी रीलोड हुआ, फेसबुक था चलो अच्छा है, इंस्टाग्राम भी रीलोड हुआ दोनों के अंदर. तो भाई बेसिक बात ये है फंडा कि रैम मैनेजमेंट में क्लियर विनर वन प्लस है. इवन जो स्टेबिलिटी है लॉन्ग टर्म में गेम वगैरह खेलने की उसके अंदर भी वन प्लस जीत जाता है, और जब एप्लीकेशन ओपन करने की बात आती है तो भी वन प्लस जीत जाता है. लेकिन भाई ये जो है उसके 80% रिजल्ट को अचीव कर लेता है एकदम आसानी से भाई स्पीड के मामले में. और जब गेमिंग की बात आती है तो गेमिंग इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो स्टेबल परफॉर्मेंस है ना लाइक सीपीयू थ्रॉटल करता है, सिंपल एज दैट. सो इस जो स्पीड टेस्ट है उसका विनर मैं वन प्लस को ही बनाना चाहूंगा, लेकिन भाई अपने प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है पोको एक्स 3 प्रो, मेरे को पर्सनली ऐसा लगा. सो गाइस जैसे आपने देखा तो भाई वन प्लस 9R ने यहाँ पर अपना जलवा दिखाया है, एंड क्लियर विनर वन प्लस 9R ही है. लेकिन भाई ये भी बहुत ज्यादा दमदार है, स्पेशली ये प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा फोन है, स्पेशली गेमिंग के मामले में भाई बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता है. लेकिन बहुत ज्यादा मतलब जो मैंने सीपीयू को स्ट्रेस किया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्रॉटल करता है भाई, तो ये चीज़ है, इसको फिक्स करने की ज़रूरत है पोको को, चाहे वो अपडेट के थ्रू करे चाहे जैसे भी करे, लेकिन उस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा थ्रॉटलिंग का इशू आता है. बाकी यही था स्पीड टेस्ट, आई होप आपको पसंद आया होगा. पसंद आया या कुछ वैल्यू मिली हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय.